सो गाइस आज यहाँ पे जो है लड्डू बनाए जा रहे हैं। आज यहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं गोंद के। दिस इज गोंद। ये गोंद है, ये किशमिश है, ये आटा है, ये गुड़ है, ये घी है, वो घी है, ये पता नहीं क्या है, हाँ, ये जानते हैं ये क्या है। ये पता नहीं क्या है। पूछो क्या है। तो इसका है ना गुड़, इनका गुड़ बनाया जा रहा है। तो आज यहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं। मम्मी लड्डू बना रही। मम्मी मम्मी दवाई के लड्डू। काय के लड्डू बन रहे हैं ये? गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बन रहे हैं। काय के लिए बन रहे हैं ये? जापे के लिए। इसका जापा कर दिया। ताकत के लिए। और यहाँ पे ये इतना सारा सामान है, पता नहीं क्या क्या है। ये यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, नारियल। नारियल कूटा जा रहा है और ये पीसा जा रहा है मिक्सी में। यहाँ पे पता वाले? नहीं, ये गोंद के लड्डू बना रहे हैं। और ये रहा सबसे मेन माल मटेरियल, ये है काजू, किशमिश, बादाम, और ये गोंद है मेन चीज, ये वाली गोंद है। तो गाइज आज यहाँ पे जो है गोंद के लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो ये भी है, ये पता नहीं क्या है, लाल लाल सा। इसके अंदर लाल मंजन भी डाला जा रहा है। ये लाल मंजन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाल कोई आप मंजन लोग देख के ना लाल मंजन के लड्डू बना लेंगे। हाँ, बोले नशा हो जाएगा बढ़िया। ये है लाल मंजन। ये लाल मंजन भी लड्डू में डाला जा रहा है। अरे हाँ, ये वो है सुपारी है। अब ये लाल मंजन पता नहीं क्यों डाल रहे हैं लड्डू के अंदर। ये सुपारी है। और ये मम्मी ने डाल दिया है इसके अंदर घी के अंदर गुड़। ये देखो, अब ये गुड़ का मम्मी क्या कर दिए, गुड़ का पात बनाया जा रहा है। अब शायद ये गुड़ को उबाला जाएगा मेरे हिसाब से। तो तेरा हिसाब नहीं चलेगा इसमें। ये देखो, एक में डाल दूं नहीं कढ़ाई गुड़ आ जाएगा। ये आएगा लेकिन इसमें। तो गाइज मैं अभी बैठ गया हूँ ये किचन की पट्टी के ऊपर और यहाँ से सारा देखूंगा क्या हो रहा है और दिखाऊंगा आपको क्या बन रहा है। ये देखो, इसके अंदर गुड़ को डाल दिया है घी के अंदर। मम्मी अब इसका क्या होगा? इसकी चाशनी बनेगी। अब इसकी चाशनी बनाई जाएगी गुड़ की। और वहाँ पे वो जो गुड़ है वो फूटा जा रहा है। गैस तो नहीं, मम्मी यहाँ पे गुड़ की चाशनी बना रही है अभी। फिर मम्मी चाशनी बना के क्या करेगी इसका? लड्डू बना लेगा। फिर लड्डू बन जाएंगे भाई। इसके अंदर वो लाल दंत मंजन और वो बादाम वगैरह सब डाली जाएगी लड्डू बनाने के लिए। इनको इग्नोर करो। कहीं ना जिनको नशा होता है ना लाल दंत मंजन का, वो इनके लड्डू बना बना खा लेंगे आपको ब्लॉग देख के। बस ना मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो इसके अंदर नशे के लड्डू बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुपारी है वो। ये नशे के लड्डू बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। सुपारी के लड्डू बनाए जा रहे हैं, वो सुपारी नहीं, नशा छुड़ाने के लिए नशे के लड्डू। बच्चों का नशा छुड़ा रहे हैं। आप इनकी बात को इग्नोर करना। ये सुपारी के लड्डू है ना कि लाल दंत मंजन के। ये लाल दंत मंजन नो लड्डू है। दिस इज सुपारी। ये सुपारी। हाँ, ये है सुपारी। देखो कितना कितना मस्त बन गया ये, उल्टी जैसा कुछ बन गया ये। गलत बोल दिया आपने, पोटी जैसा ये तो। ये देखो, ये ऐसे ब्लॉग्स बनाने डालोगे? ये देखो, ये ऐसे स्टेटमेंट आया है कि ये पोटी जैसा है। मैं बात ये तो उल्टी जैसा लग रहा है। और ऐसे कौन के सुनेगा फिर तुम्हारी बात को? तो गंदे आदमी हैं। तो ये भी तो गंदा है क्या? ये तो चाशनी बन रही है ना गुड़ की। वही गुड़ की चाशनी। मुझे लगा कुछ और लड्डू बनेंगे पीले कलर के। आपकी ब्लॉग की वजह से मेरे को मेहनत करनी पड़ रही, वरना मैं मिक्सी में कर लेती गुड़। हाँ लग डाल दो। तो यहाँ पे ये अलग से एक और में डाला है कढ़ाई। मम्मी अलग क्यों डाला है? एक में नहीं डाला। अच्छा, एक के अंदर आ रहा नहीं है इसलिए अलग से डाला है छोटी कढ़ाई में। और यहाँ पे मेहनत की जा रही है बिना मतलब की। उसकी वजह आप हो। तो आज का व्लॉग हमारा किचन में बन रहा है क्योंकि किचन में ही सब कुछ बनता है। तो आज किचन में ही व्लॉग बना रहे हैं हम।
किचन में रोटी बनती है, किचन में सब्जी बनती है, किचन में चाय बनती है, किचन में सब बनता है, तो व्लॉग भी आज किचन में बना दिया। क्यों मम्मी सही आप लोगों को स्वाद और और इस किचन के अंदर इतनी इतनी मस्त मस्त खुशबू आ रही है, क्या बताऊं मैं आपको। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग स्वादिष्ट लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। किचन में बना हुआ ब्लॉग अगर स्वादिष्ट लगे तो लाइक कीजिएगा। इस किचन में कभी घी की खुशबू आती है, कभी हलवे की खुशबू आती है, कभी वो बादाम की खुशबू आती है, कभी किशमिश की खुशबू आती है, पता नहीं किस किस चीज की खुशबू आ रही है। मम्मी हो गया क्या ये? नहीं हुआ, नहीं हुआ? मेरी कैप निकल के इसमें गिर जाए मम्मी। ये देखो और ये हल इसमें से क्या निकला है देखो, शायद किसी ने जो है तरबूज खाया था। तरबूज के बीज इसके अंदर से भी काला काला कुछ निकला है, खोपरो है जिसको मम्मी ने खोपरे का नाम दे दिया। चलो कोई बात देख ले। पर आप लोगों को तो पता है क्या निकला है इसके अंदर से, कमेंट करके बताना क्या निकला है। क्या होता है? गन्ना गन्ना का छिलका और क्या, गन्ना में से गुड़ बने, तरबूज का बीज साफ्ता का साफ्ता तेल निकलता होगा तरबूज का बीज साफ। ये देखो मम्मी क्या बोल रही है, कितने मतलब गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रही है यहाँ पे बैठ के। ये देखो एक और तरबूज का बीज निकला है इसमें से, तो खा ले। मुझे भी खा ला। अब यहाँ पे एक जो है ये मिक्स कर दूँ क्या? क्या एक तो बन चुका है, रेडी हो चुका है। हाँ हाँ कर क्या नाम से जो ये एक साथ कर मम्मी, इसको क्या बोलते हैं? गुड़ का, गुड़ का पात, गुड़ का पात। और वहाँ पे जो सारा माल मटेरियल मिक्स किया जा रहा है, काजू बादाम किशमिश लाल दंत मंजन और क्या नाम से ये क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं आ रहा, गोंद गोंद। और अब किशमिश, अब ये एक और ये हरी मिर्ची और लाल दंत मंजन एक और मिक्स किया गया है इसके अंदर। धनिया पाउडर भी, हरी मिर्ची लाल मिर्ची धनिया पाउडर ये उधर मिक्स किया जा रहा है इस गुड़ में मिलाने के लिए, उधर जो माल मटेरियल तैयार हो रहा है अब ये डाली गई है मेन चीज काजू बादाम। किशमिश ये डल गई किशमिश इसमें, ये डल गई काजू बादाम और तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट दूसरी कढ़ाई का भी तैयार हो चुका है पार्ट, उसका भी तैयार हो गया, उसका भी तैयार हो गया। अब वो जो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है वो डाला जाएगा इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर इस पार्ट को एक्चुअली उस रॉ मटेरियल में डाला जाएगा और फिर लड्डू बनाए जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे जो परात छोटी पड़ गई लड्डुओं के लिए, वो रॉ मटेरियल के लिए, तो रॉ मटेरियल को जो है आधा आधा किया जा रहा है, आधा बड़ी परात में है आधा छोटी परात में, वो डालो पहले। और अब जो है ये छोटी वाली जो कढ़ाई है इसका गुड़ उसके अंदर डालो, सॉरी पात। तो गाइस अब जो है ये वाला छोटा वाला पात छोटे वाली परात में डाला जा रहा है, ये देखो ये डाल दिया। अब इसको मिक्स किया जाएगा गुड़ के साथ रॉ मटेरियल को, और ये गुड़ जो है बहुत गर्म है, अगर कोई उंगली डाल दे तो उंगली के उंगड़े बन जाए, फटाफट फटाफट तरा के इतना टूटे भी रंग है। ये देखो अब इसको मिक्स किया जाएगा ढंग से, फिर ये ठंडा हो जाएगा तब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। अब इसको मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा, अब जो है इसके लड्डू बनेंगे, इस वाले के लड्डू बनेंगे पहले,
तो अब यहाँ पे जो चमचा हटा दिया गया है और हाथों से चल्लू कर दिया गया है इसका मिक्सचर। लड्डू बनाना स्टार्ट हो चुका है, अब जो है गरम गरम उसके लड्डू बनाए जा रहे हैं। ये देखो ये देखो किस तरीके से बड़ी सुंदरता के साथ लड्डू बनाए जा रहे हैं। मजा आ रहा होगा इनको लड्डू बनाने में। ये देखो कितनी फुर्ती से बना रहे हैं ताकि कोई खा नहीं जाए। अच्छा वैसे भी नहीं खा सकते आप, बहुत गर्म है। तो गाइस यहाँ पे काफी सारे लड्डू बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लड्डू तो अब तक बन चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे ये नशे के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, बच्चे वाले रेडी टू ईट लाल दंत मंजन के लड्डू। यहाँ पे दूसरा पात भी डाल दिया गया है बड़ी परात में और अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। और वो जेकी जो है लड्डू मांग रहा है वहां से, जो जेकी को एक दे दिया गलती से, तो अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे गाइस। ये गुड़ के अंदर जो है एक बीज आ गया है तरबूज का। तरबूज के बीज को भी जो है मिक्स कर दिया गया है इसके अंदर। तो गाइस देखो घी कितना डाला है इसके अंदर, ये पूरी डेलची भरी थी इसमें से आधी जो है खाली कर दी इसके अंदर, इतना घी डाला गया है। काफी टेस्टी बना होगा। अभी ऊपर से और घी डाला जा रहा है इसके अंदर क्योंकि कम रह गया है।